जय हिंद। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल होती है, उसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। इससे पिछले वाले सेशंस में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में बहुत ढंग से बात की है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट कर देना, पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। अच्छा, आज अपन जो बातचीत करने वाले हैं, इसके बारे में ऑलरेडी अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो बहुत इजी सा सेशन होगा। कुछ दो चार चीज़ें नई हैं, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। देखो, अपने को क्या देखना है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन पर बात करेंगे। दूसरा, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देते हैं उसका नेचर क्या है, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, उन पर बात करेंगे। तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है, उस पर बात करेंगे। और चौथा, ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है, सैलरी कितनी मिलती है, कौन देता है, उस सब पे भी आज अपन बात करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, और हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मॉडल्ड है ब्रिटिश पैटर्न के ऊपर। और ये दोनों बातें अपने को पता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड है ब्रिटिश पैटर्न के लाइंस पर। हमारे यहाँ पे जो एक्चुअल पावर है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और हमारे यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट। और ये भी अपने को पता है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, और एक्चुअल पावर, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। हाँ, अगर बात की जाए कि हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसके प्रिंसिपल को बहुत क्लियरली डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत डिटेल में नहीं बताया कि हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का प्रिंसिपल्स क्या हैं। लेकिन हाँ, दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, जो कि ब्रॉडली बता देते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे फंक्शन कर रही है। अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 74 और 75। सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 74, इसके बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। बेसिकली आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एड और एडवाइस करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, फंक्शन करना है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था। 74 के क्लॉज 1 में अपन ने ये भी पढ़ा कि एक लाया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसके थ्रू ये जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देते हैं, इस एडवाइस को प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया गया कि ये एडवाइस माननी ही माननी है प्रेसिडेंट को। हाँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो लाया गया, उसके थ्रू ये जरूर कहा गया कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बोल सकते हैं कि भाई अपनी एडवाइस को रिकंसिडर कर लो। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आगे ये कहता है कि रिकंसिडर करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही माननी पड़ेगी। 74 क्लॉज 1। 74 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देंगे, इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट। जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी, उस एडवाइस को इंक्वायर नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, कॉन्फिडेंशियल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी एडवाइस दी गई, उस एडवाइस को कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि क्या एडवाइस दी गई थी। आर्टिकल 74। इसके बाद आता है आर्टिकल 75, और आर्टिकल 75 में 6 क्लॉज हैं। पहला क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पढ़ा हुआ है अपन ने कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर्स जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिस इंसान का नाम रिकमेंड करेंगे, उसी इंसान को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज मिनिस्टर। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएगा 2003 में, और दो चीज़ें ऐड की गई। पहला तो 1A क्या ऐड किया गया, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। देखो, प्राइम मिनिस्टर को अपनी सरकार चलानी है, और वो तो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी सपोर्ट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, सबको मिनिस्टर बना दो और खुश कर दो।
पहले ऐसा हो भी रहा था कि खूब सारे मिनिस्टर्स बनाए जा रहे थे, तो फिर ये अमेंडमेंट लाया गया कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको ही मिनिस्टर बना दो। ये फिक्स किया गया कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा जितनी है उसकी 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है 545, और इसका 15% अगर निकालेंगे तो लगभग 81 आएगा। तो सिर्फ 81 लोग मिनिस्टर्स बन सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, ये कह दिया गया आर्टिकल 1A में। और ये नई चीज़ है, इसको याद रखना, इसके बारे में आप पहली बार पढ़ रहे होगे शायद, कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने बनाए जा सकते हैं, नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। और 1B क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे, दल बदल, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, इससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्या प्रोविजंस हैं उन पर अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में रखो कि ऐसा कोई भी MP जो कि दल बदल डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई हो गया है वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मिनिस्टर। ये भी किसके थ्रू आ गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब तक जो अपन ने चीज़ें पढ़ी वो सारी ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपन, ये दो चीज़ें नहीं हैं। एक तो क्या, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने बनाए जा सकते हैं, सिंपल, नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई हुआ वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता, मिनिस्टर के तौर पर भी उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। 75 का क्लॉज 1, 75 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है, द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये अपने ऑफिस में बैठते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, अपने को पता है। प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहते हैं कि ये इंसान मिनिस्टर बना रहे तब तक वो इंसान मिनिस्टर बना रहेगा। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर से उसकी अनबन हो गई, प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइम मिनिस्टर उस आदमी को बोलेंगे कि रिजाइन कर दो। अगर कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट जो है वो उस मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे। 75 का क्लॉज 2। और क्लॉज 3 क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल टू द लोकसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जवाबदेह हैं टू द लोकसभा। और ये जो क्लॉज 3 है ये है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फाउंडेशन, ये है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेस। अगर ये ना हो तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलाना मुश्किल हो जाए। अल्टीमेटली ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये जवाबदेह हैं टू द लोकसभा। अगर लोकसभा इनको सपोर्ट करना बंद कर दे तो सरकार चल ही नहीं सकती, और इसलिए ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये बड़ा सोच समझ के काम करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि लोकसभा में बैठे हुए लोग जो कि एक्चुअल जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए। क्लॉज 4 क्या कहता है, बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। कोई भी मिनिस्टर अपने ऑफिस को अज्यूम करने से पहले उसको प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलाएंगे। तो एक चीज़ तो ये याद हो जानी चाहिए कि मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और ये जो ओथ है ये कौन से शेड्यूल में मेंशनड है, थर्ड शेड्यूल में। ये दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए। अपन ने दो तीन चीज़ें ही पढ़ी हैं अभी तक। 74 ये कह रहा है कि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शुड एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गया प्रेसिडेंट के ऊपर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यह जरूर कह दिया कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो एक बार एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। अच्छा, ये जो भी एडवाइस दी जा रही है प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, इसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, ये कह रहा है आर्टिकल 74। फिर 75 में ये तो अपने को पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो नई चीज़ें अपन ने पढ़ी, एक तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। और दूसरा, जो भी MP डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे, दल बदल के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई हो गया है वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता, मिनिस्टर के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है, मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में बैठते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर तीसरा क्लॉज ये कह रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। और चौथे में ये कह रहे हैं कि ओथ वगैरह मिनिस्टर्स को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, और ये ओथ कहाँ लिखी हुई है, थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 4। और फिर आता है क्लॉज 5। क्लॉज 5 क्या कहता है,
अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ सिक्स कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर. बड़ा सिंपल कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, छः महीने तक लगातार किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई इंसान ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है छः महीने तक, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता. अगर उसको मिनिस्टर रहना है तो उसको या तो लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा. हाँ, छः महीने तक अपॉइंट किया जा सकता है किसी ऐसे इंसान को जो कि लोकसभा का मेंबर नहीं है राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन विद इन दीज सिक्स मंथ्स या तो वो राज्यसभा का मेंबर बन जाए या लोकसभा का मेंबर बन जाए अगर मिनिस्टर बने रहना है तो. आर्टिकल 75 का क्लॉज 6 क्या कह रहा है? द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी सच एज पार्लियामेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन. सैलरी और अलाउंसेज मिनिस्टर्स को वो मिलेंगे जो कि पार्लियामेंट समय समय पर डिटरमाइन करेगा. एंड अनटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइंस शैल बी एज स्पेसिफिक इन द सेकेंड शेड्यूल. और जब तक कि पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता तब तक उतना मिलेगा जैसे सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है. इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ इतना देना है कि सैलरी और अलाउंसेज मिनिस्टर्स को वो दिए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट उनके लिए डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट उनके लिए डिसाइड करता है. ये होपफुली समझ में आया होगा. फटाफट से एक बार और देख लेते हैं, मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें ये याद हो जाएं. पहली चीज़ तो ये कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं. नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ऐसा कोई भी MP जो कि डिफेक्शन के ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई हो गया है वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता. ये जो मिनिस्टर्स हैं ये अपने ऑफिस में बैठते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड टू द हाउस ऑफ द पीपल. मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं. और ये जो ओथ है ये कहाँ लिखी हुई है? थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है. क्लॉज 5 क्या कह रहा है? क्लॉज 5 कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, 6 महीने तक लगातार अगर मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर भी नहीं रह सकता. अगर उसको मिनिस्टर बने रहना है तो या तो राज्यसभा का मेंबर बनो या लोकसभा का मेंबर बनो. और इसके बाद आता है आर्टिकल 77. और आर्टिकल 77 क्या कह रहा है? क्लॉज 1 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कल को आप IAS बनो, IPS बनो, तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर सिग्नेचर किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं. या फिर ये कहें कि आपको किसकी अथॉरिटी के अंडर अपॉइंट किया जा रहा है? प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंडर अपॉइंट किया जा रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल काम हैं उन सबको किसके नाम पर फुलफिल किया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम पर फुलफिल किया जाता है. बेसिकली 77 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनको किसके नाम में लिया जा रहा है? प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जा रहा है. क्लॉज 2 क्या कहता है? ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स टू बी मेड बाई द प्रेसिडेंट. कोई भी ऑर्डर, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रेसिडेंट के नाम पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम में. और आगे फिर इस क्लॉज 2 में यह भी कहा गया कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसे प्रेसिडेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. प्रेसिडेंट अगर चाहें तो बोल सकते हैं किसी दूसरे अथॉरिटी को कि मेरे नाम पर इस ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 77 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द अलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस. प्रेसिडेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कामकाज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटीज थोड़ा इजीली अच्छे तरीके से फुलफिल हों. और ये जो अपन आर्टिकल 77 में बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल्स बनाएं, प्रेसिडेंट ये करें, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे. इसके बाद आता है आर्टिकल 78 और इसको कम से कम 5-6 बार अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले सेशन में भी पढ़ा था. क्या कहता है आर्टिकल 78? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी. क्या ड्यूटी है? टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन. यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं, लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स हैं उन सब की जानकारी प्रेसिडेंट को कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देते हैं. ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है. दूसरा, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर. प्रेसिडेंट को अगर कोई जानकारी चाहिए
यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, तो उस जानकारी को प्रेसिडेंट को कौन प्रोवाइड करवाता है? प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करवाते हैं। और तीसरा, इफ़ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। कोई डिसीजन किसी मिनिस्टर ने अकेले ले लिया, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर ने ले लिया, तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो प्राइम मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो आपके मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है इसको काउंसिल के कंसिडरेशन के लिए भेजो, डिस्कशन के लिए भेजो। ये प्रेसिडेंट के पास में अथॉरिटी है। आर्टिकल 78 अपन ने कई बार पढ़ा इसके बारे में। इसके बाद आता है आर्टिकल 88, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या कहता है? एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट। बेसिकली ये लंबा चौड़ा आर्टिकल सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए, मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाके बोल सकते हैं। दे हैव द राइट टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर है उससे राज्यसभा में कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो राज्यसभा में जाके बोल सकता है, जवाब दे सकता है, राइट टू स्पीक है। इसके अलावा मिनिस्टर्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मिनिस्टर जो कि राज्यसभा का मेंबर है वो अगर चाहे तो लोकसभा की मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी तो मिनिस्टर्स उस ज्वाइंट सिटिंग को भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट की कोई भी ऐसी कमेटी जिसका हिस्सा किसी मिनिस्टर को बनाया गया है उस कमेटी की मीटिंग्स को भी मिनिस्टर्स अटेंड कर सकते हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वोट डालने की बारी आएगी तो मिनिस्टर्स सिर्फ उस हाउस में वोट डाल सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मेंबर है वो राज्यसभा की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, वो राज्यसभा में बोल भी सकता है, लेकिन राज्यसभा में जाके वोट नहीं डाल सकता है। वोट मिनिस्टर उसी हाउस में डालेगा जिसका वो मेंबर है। और ये बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। इसके बाद बात आती है नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं इसका क्या नेचर है, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, और इसके बारे में अभी अभी अपन ने बात की है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इसके थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देते हैं इसको प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस मिलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से उस एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे और कोई चॉइस नहीं है, बाइंडिंग कर दिया गया। और इसके अलावा जो भी एडवाइस दी गई इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में इस एडवाइस को इंक्वायर नहीं किया जा सकता, पूछा नहीं जा सकता कि बताओ क्या एडवाइस दी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है। और ये दोनों बातें अभी अभी अपन ने पढ़ी हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भी और अपन ने जो पिछले सेशन में पढ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट, उस कॉन्टेक्स्ट में भी दो केसेस इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? पहला UNR राव केस 1971। UNR राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग, इवन आफ्टर डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। लोकसभा के डिसॉल्यूशन के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में रहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कोर्ट ये कह रहा है कि आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी, आर्टिकल 74 इज कंपल्सरी। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर अपनी इच्छा से कुछ भी करेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर संवैधानिक होगा। आर्टिकल 74 मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सपोज करो कि कोई सरकार गिर गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई किसी भी कारण की वजह से, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या किसी भी कारण की वजह से सरकार गिर गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में मेजॉरिटी चली गई। अब नया इलेक्शन होने में कुछ तो टाइम लगेगा, नई सरकार आने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो इस इंटरिम पीरियड में देश कैसे चले, डे टू डे कामकाज कैसे हो, तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए फंक्शनल क्लॉज के तौर पे काम करती है केयर टेकर गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे
यही इस इंटरिम पीरियड में कंटिन्यू करेंगे और प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होने ही चाहिए उनको एडवाइस करने के लिए, और देश अपने को चलाना है। तो इस इंटरिम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी थे एग्जिस्टिंग, वही कंटिन्यू करेंगे, एडवाइस करेंगे। इसको बोलते हैं अपन केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन अपने को ये भी पता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये सिर्फ डे टू डे बेसिस पे जो कामकाज हैं उनको करती है, कोई सिग्निफिकेंट कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती है। इसके बड़े सारे एग्जांपल हैं हमारे कंट्री में, जैसे चौधरी चरण सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर 1979 में, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गिरी और इनको अपॉइंट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी प्रूव करने की बारी आई तो इनके बस की नहीं थी, तो इन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। और अगस्त 1979, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 20 अगस्त 1979 को इन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। अब नए इलेक्शन होने थे तो फिर कामकाज कैसे चले? तो इस ड्यूरेशन में चरण सिंह जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह से फंक्शन करते हैं, और ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह से एग्जिस्ट करते हैं जनवरी 1980 तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं हुए, नई सरकार नहीं आई। और चरण सिंह कुछ 27 या 28 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहे। ये हुई यूएनआर राव केस की बात, जो कि ये कह रहा है कि आर्टिकल 74 मैंडेटरी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होने ही होने चाहिए प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो डे टू डे बेसिस के कामकाजों को करने के लिए वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए जब तक के लिए नई सरकार नहीं आ जाती। और इन्हीं सेम लाइंस पे बात की गई है शमशेर सिंह केस 1974, क्या कहा गया? वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड है, द सेटिस्फेक्शन इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का अपना विल नहीं है, खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं है, बट इट इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो सेटिस्फेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपने पावर्स को अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। ये बात हुई नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, ये सब कुछ होपफुली समझ में आएगा। और इसके साथ साथ केयर टेकर गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, मुझे ऐसा लगता है वो भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, और ये अपने को पता है मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं एज मिनिस्टर। और यूजुअली होता यह है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी ऐसा आदमी जो कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, उसी का नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और उसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज मिनिस्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा इंसान जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो उसको मिनिस्टर की तरह से अपॉइंट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, उसको भी एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन दीज 6 मंथ्स वो या तो लोकसभा का मेंबर बन जाए या राज्यसभा का मेंबर बन जाए तो मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो याद रखा जाए कि यूजुअली तो ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को ही अपॉइंट किया जाता है, को रिकमेंड किया जाता है एज मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है उसको अपॉइंट तो किया जा सकता है एज मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन दीज 6 मंथ्स या तो लोकसभा के मेंबर बन जाओ या राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, तब तो मिनिस्टर के तौर पर कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये अपन ने पढ़ी लिया। मिनिस्टर जो भी है उसको राइट टू स्पीक है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाके बोल सकता है। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ अदर हाउस ऑल्सो, अपने हाउस के अलावा दूसरे हाउस के प्रोसीडिंग्स में मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर, जिस हाउस के मेंबर है उसी हाउस में वोट डाल सकते हैं। और फिर बात आती है ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को ओथ कौन दिलाता है? मिनिस्टर्स को ओथ एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल, कौन ओथ दिलाता है? प्रेसिडेंट। एक तो ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं मिनिस्टर्स, और इसके तहत मिनिस्टर्स ये ओथ लेते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको दी जाएगी उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को भी रिवील नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड। ज़रूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा, उतनी इन्फॉर्मेशन को रिवील करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये ओथ ऑफ सीक्रेसी है। और ओथ ऑफ ऑफिस क्या है? बड़ी सिंपल सी, ओथ पूरी याद नहीं रखनी लेकिन एक बार देख लेते हैं। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के प्रति पूरा भरोसा।
दूसरा टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की जो भी ड्यूटीज हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ में फुलफिल करेंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इलविल, सभी लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत सही किया जाएगा, किसी को फेवर नहीं किया जाएगा, किसी से डर के फेवरिज्म में अफेक्शन में या इलविल के चलते किसी को फेवर नहीं किया जाएगा, सबके साथ में संविधान और कानून के तहत सही किया जाएगा। ये हुई ओथ। ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को सैलरी और अलाउंसेस उतने मिलते हैं एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट जितना सैलरी और अलाउंसेस उनके लिए डिसाइड करता है उतना सैलरी और अलाउंसेस मिनिस्टर्स को मिल जाते हैं। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो भी सैलरी मिल रही होती है, जो भी अलाउंसेस मिल रहे होते हैं, वही मिलते हैं मिनिस्टर्स को। कुछ एडिशनल चीज़ें और मिलती हैं जैसे समटरी अलाउंस, इस पर अपन ने बात की हुई है। विजिटर्स के लिए जो खर्चा होता है उसका जो अलाउंस है उसे बोलते हैं समटरी अलाउंस। फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें मिनिस्टर्स को मिलती हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो अपन ने देख लिए थे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ एडवाइस का सिंपल सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जा रही है उसको बाइंडिंग कर दिया गया प्रेसिडेंट के ऊपर। ये जो एडवाइस दी जा रही है इसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता। UNR राव केस 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकसभा के डिसॉल्यूशन के बाद भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे करते हैं। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होता है, प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन सिर्फ उसको अपॉइंट कर सकते हैं जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे। अच्छा, कोई भी ऐसा इंसान जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है उसको भी एज मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन 6 मंथ्स या तो लोकसभा के मेंबर बनो या राज्यसभा के मेंबर बनो, अदरवाइज मिनिस्टर नहीं रह सकते हो। ये अपन ने पढ़ ही लिया है कि मिनिस्टर्स को लोकसभा और राज्यसभा में राइट टू स्पीक है, टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स है, लेकिन वोट सिर्फ उस हाउस में डालेंगे जिसके वो मेंबर हैं। ओथ कौन दिलाता है मिनिस्टर्स को? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और सैलरी और अलाउंसेस जितना पार्लियामेंट डिटरमाइन करे उतना सैलरी और अलाउंसेस इनको मिल जाते हैं। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।